देखिए मैं समझू, क्वेश्चन नंबर 14, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर, तो ये सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ मिस मधु? उसका मटेरियल जिससे वो बना है वो सेम है, और क्रॉस सेक्शन मतलब वो वॉल्यूम भी सेम है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो देखिए इशू क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है वो है टी बाई म्यू, ठीक है मिस मधु? हाँ, ठीक है, टेंशन किसमें टेंशन आपके दिमाग में? टेंशन वायर का वायर का। रियाज जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? जी सर। म्यू क्या है मिस मधु? मास अपॉन लेंथ, मास पर लेंथ इन द वायर। शाबाश, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ऑफ द वायर, ऑफ द वायर। तो जब आप बोल रहे हैं कि सेम मटेरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है वो सेम होगा। हरियाण बात पढ़ में आई नहीं आई? क्रॉस सेम क्रॉस सेक्शन ले लिया और स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर, तो आपके पास दो वायर्स हैं, मटेरियल आपको बता दिया, क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। वन वायर इज लोडेड विद 1.5 kg, और जो दूसरी है दैट इज लोडेड विद 6 kg, ठीक है। ये लोड का मतलब क्या हुआ? लोड का मतलब ये हुआ कि ऐसे आपकी रफली ऐसे सोनोमीटर वायर है और यहाँ पर आपने ये मास लगाया होगा, जैसे एक हाँ में, सर, एक में जो मास है वो 1.5 kg है और दूसरे में जो मास है वो 6 kg है। तो मास क्यों दिया हुआ मिस मधु? वो टेंशन बोल रहे हैं उन लोग। शाबाश शाबाश। तो 1.5 kg, 1.5 kg इंटू जी, इंटू जी इज अ टेंशन, वेयर जी इज यस जो भी है 9.8, 9.8 जो भी आप लेना चाहें। याद कोई डाउट? ओके, द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ द सेकंड वायर। तो ये सेकंड वायर होगी, इसकी भी कोई लेंथ लेंथ होगी, हम एल मीटर मान लेते हैं। याद कोई डाउट? कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर। देखिए पहले तो एक फैक्ट नोट कीजिए कि उसने बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड वायर, तो दोनों वायर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोक लीजिए। नो डाउट। मिस्टर यॉन, तो देखिए स्ट्रिंग के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं जो हमने नोट किए हैं वो एक बार ज़रा उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये हमने सारे स्ट्रिंग के फॉर्मूले किए हैं, कन्फ्यूजन मत रखिए, सिंपल सा देखने में डर लगेगा पहली बार, बट सिंपल सा बट आराम से समझिए। देखिए हाँ, अब ठीक है, प्रयाव जी स्क्रीन देखिए। प्रयाव जी ये मेरा जो स्ट्रिंग है ये फर्स्ट, ये उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, बात समझ आ गई? प्रयाव जी एक बात याद रखिए, ये दो स्ट्रिंग्स नहीं है, ये जो स्ट्रिंग है इतनी ज़ोर से हिल रही है कि ऐसा लगता है कि मतलब वो जो हिलती हुई स्ट्रिंग है उसको इस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई मेरी बात समझ आ गई? ऐसा नहीं है कि दो स्ट्रिंग्स है। प्रयाव जी समझ आ गया? मैं समझ आएगी, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर, समझा सर। अच्छा, तो कुछ दो तीन चीज़ें याद रखिए मिस्टर जॉन, क्योंकि कहीं एमसीक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। पहले बात तो ये समझिए कि ये जो आपको दिखाई जा रही है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, मतलब इसको मैं जो रिप्रेजेंट करता हूँ वो ऐसे बैटमैन की तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं? ये बैटमैन की आंखें नहीं है, ये ऐसे दीवार लगी हुई है और दीवार के बीच में जो स्ट्रिंग है वो रेजोनेट कर रही है। भाई बातें समझ आएंगे मेरी? ये रेयॉन फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये थर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये फोर्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। सर बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने देखे हुए हैं पहले, जिसमें कि अगर आपको याद होगा एक आदमी यहाँ खड़ा होता है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा होता है, फिर वो हाथ में एक रस्सी पकड़ लेते हैं और वो रस्सी को हिलाना शुरू कर देते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। रेयॉन जी कुछ याद आया नहीं? आपने देखे हुए कि नहीं देखा? आपने वो एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब पर? यस। तो वो यूट्यूब में जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे ये वही है कि जो स्ट्रिंग लेके आप वो स्ट्रिंग को जितनी जोर से हिलाते हैं, जितनी जोर से हिलाते हैं, जितनी ज़्यादा उस स्ट्रिंग को एनर्जी देते हैं वो अपने हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना शुरू कर देता है। मैं तो याद रख, बात क्लियर है? हाँ सर। तो पहले तो यार ये बात याद रखिए ये सारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, दूसरी ये बात रखिए कि ये जो भी आपको दिख रही है सारी स्टैंडिंग वेव्स है। सारी क्या है? स्टैंडिंग वेव्स है। स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती है? स्टैंडिंग वेव्स बनती है कि इस तरफ से एक प्रोग्रेसिव वेव जाती है, फिर वो ऐसे वापस आती है और दोनों का जो सुपरपोजिशन है उससे वो स्टैंडिंग वेव बनती है। सर यहाँ तक बात क्लियर होगी कि मैं अपने आपसे बात करता जा रहा हूँ? ओके। तीसरी बात एक ये याद रखिए कि जो वेव है उसकी जो स्पीड है इस इन स्ट्रिंग्स के अंदर वो जो स्पीड है वो सेम रहने वाली है। नहीं समझाया दोस्तों? समझा सर। आप कंफ्यूज हैं? हाँ। तो प्रियाव जी उसके लिए ना ये 11th क्लास की बुक का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ये 11th क्लास की बुक है और ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये देखिए मेरी बात समझाइए। ओके, याद रखिए फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज गिवन बाय टी बाय म्यू। नहीं समझा दोस्तों? समझा सर। रेवन डाउट है? अब ये मत सोचिए यहाँ तो वो मैं म्यू लिख रहा हूँ, ये एम लिख रहा हूँ, दोनों सेम ही है, ये है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यूजली इसको म्यू लिखा जाता है। रेवन जी आप ओके बोले तो आगे चलो। तो इसलिए याद रखिए कि जो मेरी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग जो हिल रही है उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करता है टी और म्यू पे। तो अगर आप इसको और इसको चेंज नहीं कर रहे तो वो स्पीड सेम ही है दोस्तों। नहीं समझ में आया?
समझा सर। ये तीसरी चीज़ दिमाग में याद रखिए, ये चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, इसलिए तसल्ली से आपको समझाया जा रहा है। चौथी चीज़ याद रखिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कॉन्स्टेंट है दोस्तों, नहीं समझा? मतलब हाँ सर समझा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एल है। हरिओम, आपको समझा रहे हो बात? जी जी सर। वो जब मैं फिगर ड्रॉ करूँगा तो आपको लगेगा कि यार लेंथ सर ने चेंज कर दी, बट वो लेंथ सेम ही है, स्ट्रिंग की लेंथ डिफर नहीं करेगी दोस्तों। कोई डाउट? नो सर नो डाउट। हरिओम जी, आगे चले। जी जी तो अब ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में जाके फिट हो गई हैं, तब ये जो हमने एक बार नोट किया था, नाउ दिस विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। ये देखिए लेंस सेम है, वो बैटमैन की आंखें चेंज हो रही हैं, दिख रहा है? वेलोसिटी सेम है, रियो नोट कर रहे हैं आप? रियो आपको समझ आ रहा है? हाँ, जी सर। वेलोसिटी दोस्तों सेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, F1, F2, F3, F4, F5, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी, नहीं समझा दोस्तों? समझा सर। अच्छा, अगर आपको यहाँ तक देखिए कंसेप्ट अगर आपको समझ आता है तो फॉर्मूले डिराइव करने में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, रियो समझा? और जो जो स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट है वो आसान है, उसको समझना सबसे आसान है। अगर आपको स्ट्रिंग समझ आ जाएंगी तो आपको ये जो है ना, ये ओपन एट वन एंड और ओपन एट बोथ एंड, ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। बट अगर स्ट्रिंग ही नहीं समझ आएगी तो ये नहीं आपको समझ आएगा। अरे समझ आया? तो इसलिए तसली से समझाया जा रहा है, और कहीं भी तकलीफ है तो प्लीज़ रुकिए, चुप करके मत बैठिए, नहीं तो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, फिर आगे के कोई कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। ओके, तो वी इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। अब मुझे हर केस में हरियाण मुझे ना फ्रीक्वेंसी चाहिए कि F1 कितना है, F2 कितना है, F3 कितना है, F4 कितना है, F5 कितना है, समझा? और जो F1 है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नहीं समझा? इसलिए इस पे स्टार लगा, याद क्लियर है? आगे चलो, ये जो पहली वेवलेंथ है, जो पहली वेवलेंथ है उसका और लेंथ का रिलेशनशिप बड़ा सिंपल है, कि ये जो पहली वेवलेंथ है ये एक्चुअल में आपको पूरा छोड़ोगे, पूरा इसको छोड़ोगे तो ये पूरी वेव ऐसी होगी। मेरी बात समझ नहीं आई? तो ये जो पूरा दिख रहा है ये तो लैम्डा वन होगा, बट पूरा तो बन नहीं रहा, कितना बन रहा है? आधा। तो आधी जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होगी? लेंथ के। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। बेटर नहीं समझ में आया? समझा। और इस केस में तो सिंपल ही है, जितनी वेवलेंथ आपको नजर आ रही है उतनी लेंथ है, और वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा 2। दोस्तों डाउट है? नो सर नो डाउट। तीसरे में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है तो फंडा वो भी सिंपल। ये देखिए यहाँ तक तो खत्म हो जाता है लैम्डा 3, उसके बाद आधा लैम्डा 3 और है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 1.5 लैम्डा 3, जो कि किसके इक्वल होगी? लेंथ के इक्वल। अरे आपको समझा? जी सर। और चौथे केस में अगर आप देखोगे, ये लैम्डा 4 है, ये लैम्डा 4 है, दो लैम्डा 4 है, और दो लैम्डा 4 किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के। दोस्तों यहाँ तक क्लियर? हाँ सर समझा। इसको देखोगे तो एक लैम्डा 5 ये, दूसरा लैम्डा 5 ये, और आधा लैम्डा 5 ये। अरे आपको समझाया नहीं? ये इसलिए 2.5 लैम्डा 5, 2.5 लैम्डा 5। यार एक चीज़ प्लीज़ बार बार समझिए, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी को चेंज मत कीजिए। अगर ये फंडा समझ आ रहा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है वही चेंज होने वाला है। और जैसे जैसे आप बैटमैन की आंखें, अरे भैया बैटमैन की आंखें समझ आ गया ना? मैं क्या हाँ सर समझा। बैटमैन आइज, अरे समझ आया? जी सर। बैटमैन की आंखें, बैटमैन की आंखें मतलब ऐसे, मतलब ये वाली बैटमैन की आंखें। तो ये बैटमैन की आंखें जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहेगा। देखिए ये भी कोई नया फंडा नहीं है, आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी ये सब किया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपको कराया जा रहा है। अगर जब आप रिफ्लेक्शन करते थे एयर से वाटर में, जब आप जाते थे, अगर आपको याद होगा उस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहता था। हाँ सर। जबकि अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम रहता था, चेंज क्या क्या होता जाता था? वेलोसिटी लैम्डा, वेलोसिटी लैम्डा। अरे नहीं समझ में? तो उसमें जो म्यू होता था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, और उसमें जो म्यू की है वो रेशो किसकी होती थी? वी या लैम्डा की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है। अरे नहीं समझ में? जिसमें तो याद आ रही है रेड कलर का बॉक्स। हाँ सर याद है। तो सेम ही फंडा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ वेलोसिटी सेम है बट एफ और लैम्डा दोनों इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे बैटमैन की आंखें चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी हायर जाती जा रही है, और जो लैम्डा वो सेम है। अरे जी आप ये सर बोलते हैं तो आगे चलो। चलिए तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि अंकल जी आप कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अरे जी F1 F2 F3 F4 F5 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा? तो जो F1 होगा वो V अपॉन लैम्डा 1 होगा, और मुझे फिर याद आएगा कि जो लैम्डा 1 है वो तो 12 के इक्वल हो जाएगा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा कि F1 जो है वो V अपॉन 12 के इक्वल होगा। अरे मेरी बात समझे? यहाँ क्लियर है? तो कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पर आपको मैं इसको जो जो यहाँ स्क्रीन पर लिखा है एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया, ठीक है। टेंशन इन स्प्रिंग और म्यू, इसका डायमेंशन एनालिसिस करके आपको ये बताया जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग है उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, वो मैंने यहाँ पर किया। वही समझा? समझा सर। अरे कोई डाउट? तो ये देखिए ये टेंशन की बजाय मैंने न्यूटन लिख दिया, म्यू की बजाय केजी पर मास लिख दिया, और आपको ये प्रूव करके बता दिया कि ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये जो सारा ये भी सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा
कई बार क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि आप थोड़े कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आएंगे, बट मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बट सिर्फ मैं आपको आइडिया देता हूँ। सिक्स या सेवन क्लास में सबसे पहले आपने ये फॉर्मला पढ़ा था, डेंसिटी जोड़ो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इसके इक्वल हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। अब जो वॉल्यूम होता है वो वायर का होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एल। पाई आर स्क्वायर इनटू एल कैसे हो जाता है, ये अगर मेरी स्ट्रिंग है और इसका रेडियस आर है और ये मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग है वो पाई आर स्क्वायर एल के इक्वल हो जाता है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ से डिराइव करके मैं मास पर यूनिट लेंथ को लिख सकता हूँ रो पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो म्यू है, कई बार आपको बुक्स में रो पाई आर स्क्वायर करके लिखा होगा भाई, दोस्तों बात समझ नहीं आएगी। समझा सर। कई बार आप मेडिकल्स करोगे, कंपटीशन लेवल के मेडिकल्स करोगे, तो उसमें आपको हो सकता है ये वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़े, वी इज इक्वल टू टी बाय रो पाई आर स्क्वायर। तो ये मैं सोचना कि ये कोई नया फॉर्मूला, ये सेम ही फॉर्मूला, इसमें ये जो म्यू है इसको ऐसे करके डिराइव करके ये यहाँ लिखा हुआ है। क्या याद रख लिया? जी ओके। एक चीज़ और समझ लीजिए, इस पेज पर और सारी बातें क्लियर होगी, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि ये जो पहली जो फ्रीक्वेंसी ये जो नज़र आ रही है इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। याद बात समझ आ गई? जी। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी F2 जो है वो है फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। एक काम करो यार, इसको गोली मारो, बस ये याद रखो कि ये जो पहली वाली है इसको बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे ये बात क्लियर होगी आपको? यस। इससे भी हमारा काम चल जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इससे भी। ये तो सिर्फ नाम है, वो नाम एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो नाम भी समझ आने शुरू होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर यहाँ तो कोई डाउट है? मिस्टर कोई डाउट है? ओके। अब देखिए, अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो आप सोच रहे थे कि सर ये सब तामझाम इसलिए करा रहे हैं, सर तामझाम इसलिए करा रहे हैं कि हमें फॉर्मूले निकालना है, ये सारे आप चीज़ें पहले नोट कर चुके हैं। सिर्फ आप ये देख लीजिए कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, वी इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। भाई बात समझ आ गई? अब जो लैम्डा 1 है, ये देखिए ये पहला जो वेव लेंथ है वो हाफ द लेंथ है, तो क्या मैं इसको F1 इंटू हाफ द लेंथ लिख सकता हूँ? अरे बात समझ आ गई? तो फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो पहली उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको मैं लिख सकता हूँ वी। सर आप बोलिए बोलिए। सर अच्छा, हाँ 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 हाँ, थैंक यू। तो क्यों? क्योंकि ये लैम्डा 1 होता ऐसा, तो लैम्डा 1 जो है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ है, इसलिए मैडम कह रही है कि सर आप यहाँ हरियाणा को गलत पढ़ा रहे हो, यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो F1 क्या होगा? वी अपॉन 12। हरियाणा याद रखिए। अब आपको याद आता है यार ये वेलोसिटी क्या है, तो आपको याद आता है यार ये वेलोसिटी तो जो वेव है उसकी उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो स्ट्रिंग पे भाग रही है। नहीं समझा सर? और उसका जो फॉर्मूला आपके पास है वो टी बाय म्यू है, तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पर सिर्फ 1/TL और यहाँ टी बाय म्यू लगा देते हो। सर यहाँ तक बात क्लियर? तो बेसिकली स्ट्रिंग पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये है उसका फॉर्मूला। मिस्टर कोई डाउट? नो डाउट। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इससे दिया जाता है, ये वाली इक्वेशन पकड़ी है। अब एक बात याद रखिए, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है इसको पकड़ के ही हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ ये देखिए, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, लॉज ऑफ, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना? हाँ सर। जी सर। तो याद रखिए कि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है उसके जो ये लॉज है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, इसमें जो फॉर्मूला लेके चलते चला जाता है वो देखिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, देख रहे हैं आप? तो इसी को लेके चला जाता है। तो वापस आइए, डेरिवेशन पे। तो ये आपकी निकल गई पहली फ्रीक्वेंसी, ये निकल गई आपकी पहली फ्रीक्वेंसी जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सारा तामझाम सेम ही होगा। देखिए घबराइए मत, V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2, बैटमैन की आंखें होंगी ऐसे, और V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2 अब किसके इक्वल होगा? L के। हरिओम समझा? तो अब जो F2 है वो क्या होगा? V बाय L। V किसके इक्वल होगा? T बाय म्यू के, और ये होगा 1/L। मैं इसको ठीक करूं? हां सर। तो ये आ गई मेरी दूसरी फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। अरे आंधी कंफ्यूजन नहीं हुए? नहीं सर। पहली जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। मिस्टर कोई डाउट? नो डाउट। स्ट्रिंग में ये फंडामेंटल हार्मोनिक ओवरटोन बहुत सिंपल है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी फ्रीक्वेंसी, पहला फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अरे आंधी कोई डाउट? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर कोई डाउट यहाँ तक? ओके। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, अब बैटमैन की तीन आंखें बनेंगी। जब बैटमैन की तीन आंखें बनेंगी तो लैम्डा 3 होगा। लैम्डा 3 कितना है? 1.5 लैम्डा 3 किसके इक्वल होगा? एल के। अगर कोई डाउट? लैम्डा 3 देखिए यहाँ लिखा है 3/2 लैम्डा 3 एल के इक्वल, तो लैम्डा 3 होगा 2/3 एल के। अगर कोई डाउट? नहीं सर। मैं सब ठीक करूँ? हाँ सर।
तो फिर से वही सब ताम झाम, ये देखिए लैम्डा 3 की आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ये 3/2L आ गया और ये आ गया। बेसिकली आपके पास जो, अगर आप ज्ञान को ध्यान से सुन रहे हैं तो F1, सॉरी अगर आप ज्ञान को ठीक तरह सुन रहे हैं तो F1, उसके बाद जो F2 है वो ट्वाइस ऑफ F1 है, जो F3 है वो थ्राइस ऑफ F1 है, जो F4 होगा वो 4 टाइम्स F1 होगा। दोस्तों बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझा सर रेवन आपको समझ आ रहा? जी 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 तो F5 जो होगा वो 5 टाइम F1 होगा। अरे आपको समझा? जी सर तो अगर मैं दो फ्रीक्वेंसीज की, मतलब दो कंजेक्टिव फ्रीक्वेंसीज की रेशो अगर लेता हूँ तो वो रेशो नज़र आती है ऐसे। नहीं समझ आया मिस्टर? समझा सर ये रेशो की बात आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें रेशो लिया जाएगा, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन, बट आई थिंक उसमें रेशो लेके बात करते हैं। रेवन याद है क्लियर है? स्ट्रिंग के सारे फंडे आपको क्लियर? जी सर ओके। तो अगर आपको स्ट्रिंग के सारे कुछ फंडे क्लियर है तो अब जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं इस पे वापस चलते हैं। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्ट्रिंग्स के रिलेटेड कहाँ गई आपकी टेक्स्ट बुक? हाँ स्ट्रिंग के रिलेटेड ये 1923-24 नंबर का है, ठीक है? तो आप देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से देखिए। तो टू वायर्स, ज्ञान गणित आपको पूरा मिल गया, ज्ञान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं सर। नो सर तो अब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो जो बात हो रही है वो बात हो रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहाँ पर? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो रिलेशनशिप है वो दिया जा रहा है आपके सामने। ये F1 इज इक्वल टू 1/12 T/μ। रेवन इसको नोट लीजिए जरा फटाफट, क्योंकि मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। नोट लिया आपने? जी सर तो F1 जो है T/μ 1/12। तो ये देखिए, सो टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच्ड, वन इज लोडेड। ये मैं ले लेता हूँ जिसको मैं 1.5 kg से लोड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बेसिकली टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगी। मेरा याद है क्लियर? जी इसकी जो लेंथ है वो 0.6 मीटर है, और दूसरी जो मेरी वायर है वो है ये, इसकी लेंथ है L, इसको मैं लोड कर रहा हूँ कितने से, 6 सिक्स के जी 6 × g, इतनी टेंशन लगा रहा हूँ। इस बात उठिए, हाँ सर अब देखिए मेरे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम दी गई है, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम दी गई है तो मुझे जो वी है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला है वो है 1/TL T/μ। अरे ये नोट किया आपने? जी सर क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो 1/2 × 0.6 × t जो है वो इसके इक्वल है 1.5 × g/μ। भाई बात समझ आ रही है? आपने यहाँ से बात कर रहा हूँ। समझा सर दिस वुड बी इक्वल टू 1/t। ये वाला जो एल है वो ये वाला एल है विच इज़ अननोन, × 6 × g/μ। नहीं समझा दोस्तों? समझा सर मेरा आपको समझा? समझा तो अगर समझ आ रहा है, ये वाला टी सॉरी टू, ये वाला टू, ये वाला जी, ये वाला जी, ये म्यू कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो एल है वो माई फ्रेंड्स पता किसके इक्वल होगा, √6 × 0.6 होल अपॉन √1.5। दोस्तों समझ आ रही है? समझा सर तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.2 मीटर। फिर आपकी समझ आ रही है? इन शॉर्ट F1 इज इक्वल टू F1 डैश 1/2, कितनी लेंथ है 0.6, 0.6 टेंशन आपको पता है, मैं इसको टी मान लिख देता हूँ, √μ इज इक्वल टू 1/2L टेंशन × 2/μ। जो T1 है वो 1.5 g है और जो T2 है वो 6 g है। हर डाउट? नो डाउट। तो बेसिक कैंसिलेशन आप करोगे, वैल्यूज डालोगे तो ये वाला जो एल एस की वैल्यू कहलाएगी। दोस्तों कोई डाउट है तो रुकिए प्लीज। नो सर नो डाउट। ग्रेट, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मिस्टर कोई डाउट है तो प्लीज रुकिए। नो डाउट। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग फिक्स्ड एट 1 एंड। तो आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो 1 मीटर लॉन्ग है, ये स्ट्रिंग होगी कोई 1 मीटर लॉन्ग है फिक्स्ड एट 1 एंड है, ठीक है? ऐसे आपने एक एंड पे इसको बांध दिया। द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर आप इसको 15 हर्ट्ज़ से ऊपर नीचे कर रहे हैं। सिचुएशन समझ आ गई आपको? ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विद फोर कंप्लीट लूप्स जो है वो आपकी स्टेशनरी वेव बन रही है जिसमें फोर कंप्लीट लूप्स है, इट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव। स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव। सिचुएशन समझ आ गई नहीं? तो देखिए आपकी फोर कंप्लीट लूप्स हैं ऐसे,
और एक जो एंड है वो तो आप, क्योंकि आप उसको ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, तो एक एंड बनेगा ऐसे। क्योंकि नहीं समझ में कुछ मत, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो फिर से देखिए, एक एंड जो है वो आपका फ्री है, क्योंकि उससे आप उसको ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, क्योंकि आप उससे उसको ऊपर नीचे घुमा रहे हैं। तो यहाँ ये जो है फोर लूप्स जो हैं, एक वेवलेंथ पूरी यहाँ, एक पूरी वेवलेंथ यहाँ, और यहाँ पर 1/4 ऑफ वेवलेंथ। दोस्तों समझ नहीं आ रही मेरी बात? समझा सर, समझ। और जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ है वो है 1 मीटर। बाई, डू वी अग्री टू वॉट इज बीइंग डिस्कस्ड? यस सर, तो आपके पास कितना लैम्डा है? आपके पास 2 1/4 λ1 है, और ये किसके इक्वल है? ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है। दोस्तों याद है, क्लियर? हाँ सर, तो जो जो वेव बन रही है उसका जो वेव लेंथ है, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए ये साइड आ जाएगा 9/4, तो 9/4 λ1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर λ1 इज इक्वल टू 4/9 मीटर। दोस्तों नहीं समझ में आया? समझा सर, अब ये है इसका लैम्डा, ये है इसकी वेव लेंथ। आप इसको लैम्डा वन ना लिखे, लैम्डा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्डा वन ही लिखता इसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/9 मीटर। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज़ है। दोस्तों नहीं समझ में आया? दोस्तों नहीं समझ में आया? समझा सर, इंस्टाग्राम पे डाउट है तो रुकिए। नो डॉक्टर। तो आपके पास लैम्डा है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो वेलोसिटी जो होगी वो एफ लैम्डा की इक्वल होगी। ये 15 हर्ट्स, लैम्डा 4/9, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। दोस्तों कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, मिस्टर यहाँ पे डाउट? नो डाउट। ग्रेट सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20। अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज़, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन? मिस्टर यहाँ कोई डाउट? नहीं सर, नो। तो मिस्टर यहाँ, ये कितना बड़ा आपको लेक्चर दिया गया, जिसको बेसिकली, जिसमें बेसिकली आपको ये समझाया गया कि सर ऐसा है कि ये है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग में है, मतलब वायलेंस स्ट्रिंग में। ये है जो दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है उसकी तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और एक रिलेशन आपको ये समझाया गया कि सर अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं और उसकी कंजेक्टिव फ्रीक्वेंसीज देखनी शुरू करते हैं, तो जो F2 है वो ट्वाइस ऑफ F1 होती है, जो F3 है वो 3 times F1 होती है, जो F4 है वो 4 times F1 होती है। दोस्तों बात समझ, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? समझे सर। तो स्ट्रिंग में जो जो रिलेशनशिप है वो बड़ा इजी सा रिलेशनशिप है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप स्ट्रिंग पे फोकस कीजिए, उसके बाद फिर इन मुद्दों पे फोकस कीजिए। पाइप ओपन ऑन वन एंड, पाइप ओपन ऑन बोथ एंड्स, ये थोड़े से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगर एक बार आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो ये तो जो ईजी हो जाते हैं। समझा? तो रिलेशनशिप सिंपल है कि सर अगर ये मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी उसमें से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो निकलने वाली है वो डबल ऑफ इसकी होगी, जो तीसरी निकलने वाली है वो 3 times F1 होगी, जो चौथी निकलने वाली है वो 4 times F1 होगी। तो ये गणित अगर आपको समझ आता है तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। सिंपल है क्योंकि लॉजिकल है कि अगर मुझे बता दिया जाता है कि सर F1 जो है वो 440 हर्ट्ज़ है, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स जो F2 है वो ट्वाइस ऑफ दिस होगा क्योंकि स्ट्रिंग है, और जो F3 है वो 3 times 440 होगा, और इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नहीं समझा? समझा सर, मैं कह रहा हूँ समझा। और फिर से मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो स्ट्रिंग है उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन का जो रिलेशनशिप है वो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप है वो भी सिंपल है, ये लिखा हुआ सामने। क्या नहीं समझ में? इसीलिए ये पूरा जो चैप्टर है वो अगर आपको इस स्ट्रिंग्स का सिंपल टॉपिक समझ आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली चलने शुरू जाते हैं, बट अगर स्ट्रिंग्स में ही फंस गए फिर परेशानी बढ़ जाती है। दोस्तों कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। क्वेश्चन 23 देख लीजिए। अ 100 मीटर वायर ऑफ लेंथ, ये आपकी लेंथ है, इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट 5 kg। वेट का मतलब क्या हुआ? टेंशन। टेंशन का मतलब क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राम जी समझ आ गया? राम जी देखिए बार बार, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 100 हर्ट्ज़। वो क्वेश्चन वही जो हमने ये जो पीडीएफ जो डिस्कस किया, क्वेश्चन सारे के सारे उसी पे बेस्ड है, हमारी जो पीडीएफ है इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज गिवन बाय ये F1 इज इक्वल टू 1/TL और T/μ। अब इसमें ये वाला जो टी है, ये वाला जो टी है, ये है मेरा टेंशन, और इसको दिया जाएगा एम इन टू जी। अगली बात में जी सर, तो ये अगर आपका फंडा क्लियर है फिर तो ये हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है। तो वो आपसे पूछ रहा है लीनियर डेंसिटी,
लीनियर डेंसिटी बेसिकली वो आपसे म्यू पूछ रहा है, फिर आपके पास फॉर्मला तैयार है एफ इज इक्वल टू वन अपॉन ट्वेल्व पी बाई म्यू, एल जो है वो 0.5 मीटर है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं ये 0.5 इंटू यहाँ मैं टू करूँगा तो ये वन ही आ जाएगा, नहीं समझा, 0.5 इंटू वन आ जाएगा तो ये वन आ जाएगा, एफ वन की जो वैल्यू है वो 100 हर्ट्ज़ यहाँ दी हुई है और वो बोल रहा है कि सर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये वन की इक्वल है तो कुछ नहीं लिख रहा, टी जो है वो क्या है 5 इंटू जी यहाँ पर आएगा, लीनियर डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, म्यू यहाँ पर आएगा, म्यू की वैल्यू निकाल दीजिए वो इसका आंसर होगा, नहीं समझा सर, यहाँ पर डाउट सर। एक्चुअली मैं देख रहा था उसने जी की क्या वैल्यू है वो देख लेना यार, 9.8 होगी, 9.8 हां 9.8 होगी वो देख लेना यार, आई थिंक 9.8 ही होगा, क्या आपको समझ आ गया मैं कह रहा हूं जी, तो आपको देखना पड़ेगा सर 10 से कुछ और आंसर आते हैं, पर देख लेना यार 9.8 डालो या 10 डालो जो भी आंसर सर 9.8 डालेंगे तो ये आंसर ये आंसर आएगा, चलिए ठीक है हां क्या क्लियर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग आपके पास और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 112 हर्ट्ज़ है, तो स्ट्रिंग ऑफ गिटार या स्ट्रिंग ऑफ सोनोमीटर या स्ट्रिंग ऑन वायलिन वो एक ही बात हो रही है, ये बात समझ आ गई है? हाँ सर। तो बेसिकली आपका जो गिटार है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसका फॉर्मूला हमें पता है 1/12 टी बाई म्यू, फॉर्मूले में डाउट नहीं है, फॉर्मूले में डाउट नहीं आना चाहिए, यही फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की ही बात चल रही है, ये देखिए ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ बात कर रहा था तो हर क्वेश्चन में वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहा है मोरलेस, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो गिटार बजा रहा है कोई आर्टिस्ट और उसमें से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है कितनी 112 हर्ट्ज़ ऐसे, तो फॉर्मूला एफ वन निकाल रहा है जो कि होगा 1/TL 2L टी बाई म्यू, सर बात समझ आई यहाँ तक क्लियर है? ओके अब देखिए इफ द गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज़, सर यहाँ पर ना इसने स्टेटमेंट थोड़ी सी लूज रखी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको मान के चलिए कि ये भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, नहीं समझा, मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ, इफ अ गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज़ व्हाट शुड वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, बेसिकली आप ये बात कर रहे हो कि सर ऐसा है कि जो गिटार है उस पर एक अगर आपने कभी गिटार अरे आप गिटार बजाते हो क्या जी, तो अगर आपने देखा है एक जगह फिंगर रखते हो दूसरी जगह क्या बोलते हो आप उसको जिस स्ट्रिंग को आप क्या बोलते हैं क्या बोलते हो प्लक बोलते हो उसका नाम क्या होता है चलिए ठीक है फ्रेटी मान लेते हैं समझिए ना जो आप जो मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपने ऐसा किया बेसिकली आप ऐसे करते हैं बेसिकली आप ऐसे करते हैं कि आप जो गिटार है एक एक एंड पे तो आप फिंगर रख लेते हैं, जिस एंड पे आप फिंगर रख लेते हैं आप ऐसे मान सकते हैं कि जब आपने फिंगर रखी लेट अस अज्यूम आपने यहाँ पर फिंगर रखी यहाँ पर आपने हाथ की फिंगर रखी, तो अब जो रेजोनेट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, अरे समझ आ गया नहीं यार जी, और यार आपने गिटार पे फिंगर नहीं रखी तब तो वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग बज रहा, अब आपने एक जगह फिंगर रखी यहाँ पर आपने फिंगर रखी यूँ आपने ये आपका हाथ है और यूँ आपने फिंगर रखी, जब आपने फिंगर रखी तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट रेजोनेट करेगा, क्योंकि आप जो फ्रेट है शायद ट्रेंगुलर शेप का ही होता है इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो फ्रेट है वो उसको उसको जो प्लक करेंगे वो यहाँ से प्लक करेंगे, कोई बात समझ आ रही है आपने आपसे बात करो समझा सर, तो पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो थी इस लेंथ की वजह से, बट अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो निकलेगी इस लेंथ की वजह से, दोस्तों बात समझ आई नहीं समझा सर, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी निकली थी वो ज़्यादा निकलेगी बेसिकली बास ज़्यादा होगा मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पर जो है यहाँ बास ज़्यादा होगा और यहाँ जो है ये ट्रेबल होगा, मतलब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है जो विदाउट ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है जो लंबी लंबी लेंथ से जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी लो होगी, एक्चुअली मैं मोर नहीं बोलना चाहिए इसको लो फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, और जब आप उसको फिंगर रखते हो तो हाई पिच निकलेगी, बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई निकलेगी, रेवन जी सही बात कर रहा हूँ या बातों में कुछ भी ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप उसकी जो आवाज़ उसकी जो पिच है वो तेज़ कर रहे हैं वो फ्रॉम बास टू ट्रेबल लेके जा रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ फिंगर रख दी, यू वॉन्ट ओनली दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टू मूव, भाई पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई, कंसेप्चुअली समझ आया नहीं आया, क्वेश्चन तो निकाल लेंगे समझा सर, तो बाकी क्वेश्चन तो सिंपल गया यार, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ये टी बाई म्यू है सॉरी सर एफ इज इक्वल टू ना हाँ जी हाँ जी, तो
हूँ, एफ वन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप जब ये जो फिंगर रखते हैं तो जो टेंशन है वो सेम रहेगी, तो आपने चेंज क्या किया? टेंशन सेम रहने वाली है, जो मास पर यूनिट लेंथ है वो भी सेम रहने वाला है, तो चेंज क्या होने वाला? चेंज आप लेंथ चेंज कर रहे हैं। बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। दोस्तों बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर। तो लेंथ जब मैं डिक्रीज करता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। नहीं समझ में आया? समझा सर। मिस्टर राव समझा सर। यार ये कोई इतना कोई बड़ा ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप अभी लेक्चर खत्म होगा तो ये आपके टेबल का एज है, टेबल के एज पे प्लास्टिक का स्केल होगा आपके पास, उस स्केल को पहले इतना निकाल के यहाँ से उसको पुश कीजिए, उसकी आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ समझ आई? उसके बाद जो आपका स्केल है, जो प्लास्टिक का स्केल यार 15 सेंटीमीटर वाला जो हमारा स्केल होता है, उसको फिर स्केल को ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे, और फिर उसको प्रेस कीजिए। जब आपका स्केल टेबल से बाहर ज़्यादा निकला हुआ है तो उसमें थोड़ी भारी आवाज़ आती है, मतलब बाज, और जब स्केल कम बाहर निकला हुआ है तो उसमें से तीखी श्रिल आवाज़ आती है, मतलब ट्रेबल, हाई पिच्ड आवाज़ आती है। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? समझा सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस केस में ये है लेंथ, तो लेंथ जब कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जब लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। दोस्तों समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझा सर। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, मैं उसके आसपास के जो फंडे हैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, क्वेश्चन तो 2 मिनट में निकल जाएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि इस क्वेश्चन के आसपास जो बिल्ड इन जो फंडे हैं वो आपको समझ आने शुरू हो जाए। बात क्लियर? जी सर। यार एक मिनट रुकिए, एक फोन आ रहा है, मैं एक बार फोन देखूँ यार किसका फोन है, बार बार आ रहा है। देखिए सर ये कोई ऐसा नहीं कि कोई अनजान सा फंड आपके पास है, ये आप किचन में कंटेनर है, आपके पास किचन में कंटेनर है या बाथरूम में कंटेनर है, बाथरूम में बाल्टी भर रहे हैं, उसमें जब पानी जाता है, जैसे जैसे पानी भरना शुरू होता है तो वो बाल्टी में से जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी शुरू जाती है। दोस्तों बात समझ आ रही? हाँ सर। हरियाणा जी मेरी बात समझ आ रही है? मैं बात करूँ जी सर। तो उसकी आवाज़ चेंज होनी शुरू जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ये सारे फंडे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हरियाणा समझा? यस। तो बाकी सॉल्यूशन तो यार सिंपल है, वैल्यू डालनी है सिर्फ आपके पास, सॉरी आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये यूज़ कर लीजिए, एफ वन इज इक्वल टू, एफ वन इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एल, एफ वन इज इक्वल टू के बाई एल, मैं ऐसे लिख देता हूँ एल वन, तो एफ टू इज इक्वल टू के बाई एल टू, तो एफ वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन। अब देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 112 हर्ट्ज़, सेकंड फ्रीक्वेंसी 160। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, ट्रेबल पे लेके जाना चाहते हैं, एल टू आप निकालना चाहते हैं, एल टू आप निकालना चाहते हैं, और जो एल वन है वो आपको दी गई है। नहीं समझा दोस्तों? समझा सर। एल वन जो है वो कितना? 0.8। इसको सॉल्व करेंगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा। भी समझ आ गया? समझा सर। और ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं इस टॉपिक को ये आपके ये वाले टॉपिक से भी रिलेट कर देता हूँ। ये देखिए ये आपके जो लॉज हैं, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्विंग से, कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। समझ आया? हाँ सर। नो डाउट कि जो फ्रीक्वेंसी है